और जिन पे केस हुआ हुआ है और वो पक्का ही रहेगा केस, उससे हम तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तारा यासिन केस के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। थिएटर लगातार मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए गलत और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, और इसी वजह से साजिद भाई से जो है मैं फौरी तौर पर उनसे रब्ता किया है। साजिद भाई ने मुझे क्या बताया, और साजिद भाई हंगामी तौर पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो अभी तकरीबन आधा घंटा या एक घंटे के बाद उनके चैनल पे अपलोड हो जाएगी। साजिद भाई ने मेरे से क्या बात की है, केस के हवाले से उन्होंने ये तमाम जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको किस तरह से रिजेक्ट किया है, सबसे पहले आप ये वॉइस सुने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दिलशाद भाई? खैरियत? ठीक, तबीयत से ठीक है दिलशाद भाई। ये खाली अपने आप को तसल्ली देने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, अफवाहें कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसी बात कोई भी नहीं है। जो बंदा केस करता है तो वो वापस नहीं लेता, ठीक है ना? और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ये खाली अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। और जिन पे केस हुआ हुआ है और वो पक्का ही रहेगा केस, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। तो फ्रेंड, आपने साजिद की जबानी सुन लिया कि कोई केस वापस उन्होंने नहीं लिया, बल्कि 3 दिन 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर बहुत सख्त इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। और ये जो गलत फहमी में है या दूसरों को तसल्ली दे रहे हैं, तो इनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या जुर्म किया है, और किस तरह से उन्होंने, जिस तरह से इससे हमारी उछाली है, जिस तरह से मनफी प्रोपेगेंडा किया है, जिस तरह से सारा के खिलाफ उन्होंने गलत चीजें जो है वो बनाकर शेयर की हैं, उसका उनको लग पता जाएगा। ये साजिद भाई का कहना है, और इंशाल्लाह साजिद भाई की आधा घंटा या एक घंटे तक वीडियो भी आने वाली है, और उसमें वो बहुत धमाकेदार चीज और न्यूज जो है वो आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।